प्यारे मित्रों नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाई। गुरु पूर्णिमा को हम क्यों मनाते हैं? गुरु पूर्णिमा को हम याद करते हैं गुरु वेद व्यास को, उनकी पूजा करते हैं। गुरु वेद व्यास कौन है? गुरु वेद व्यास है जिन्होंने वेदों को लिखा है, जो हिंदू धर्म में चार वेद माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गुरु वेद व्यास ने उन वेदों को लिखा है। वेद क्या? वेद का मतलब है ज्ञान की पुस्तक। यानी उस समय तक जब गुरु वेद व्यास हुए, उस समय तक जो भी समाज में ज्ञान मौजूद था, जो भी ज्ञान अवेलेबल था, उसको उन्होंने एक चार वेदों के रूप में, चार किताबों के रूप में उसको लिखा है। यानी अगर हम समझें कि गुरु का मतलब क्या है, गुरु का मतलब हुआ गुरु वेद व्यास, जिन्होंने उस समय के ज्ञान को इकट्ठा करके किताबों में लिखा, ताकि वो नॉर्मल आदमी की पहुंच तक आ सके। यानी क्या परिभाषा कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि गुरु वह है जो हमें ज्ञान देता है, राइट? अब समझते हैं कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान का मतलब क्या है। ज्ञान का मतलब है कि जो मेरी जिज्ञासाओं को पूरा करेगी, मैं जो चाह रहा हूँ, मैं जो अपने जीवन में होना चाह रहा हूँ, करना चाह रहा हूँ, उसमें जो मुझे मदद करता है वह है ज्ञान। और ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान आता है गुरु से। अब सवाल ये पैदा होता है कि गुरु हमें ज्ञान देता है तो कैसे देता है, या ज्ञान अगर आता है तो ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान आता है हमारी प्रज्ञा से, प्रज्ञा मतलब विजडम से। और विजडम कहाँ से आती है? विजडम आती है हमारे अनुभव से। तो जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं, जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, वो ज्ञान नहीं है। जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, हम उसको कह सकते हैं कि वह सूचनाएं हैं। और जब हम उन सूचनाओं के ऊपर अपने जिंदगी को चलाते हैं, या हम उन सूचनाओं से जो हमने सीखा, जो हमें अच्छा लगा, जब हम उसके ऊपर अपना जीवन चलना शुरू करते हैं, अपने जीवन में अनुभव आना शुरू होता है, तो प्रज्ञा यानी विजडम आती है सूचनाओं से, सूचनाएं से प्रज्ञा आ गई, प्रज्ञा से अनुभव आता है, और अनुभव से ज्ञान आता है। यानी अब अगर हम इन सब बातों को एक साथ रख के सोचें, तो कह सकते हैं गुरु का अर्थ हुआ, गुरु का मतलब वह जो हमें ज्ञान दे, जो हमें सिखाए, सूचनाएं नहीं। सूचनाएं गुरु नहीं दे रहा है, गुरु सूचनाएं तो अध्यापक देता है, टीचर देता है, लेकिन गुरु हमें ज्ञान देता है। ज्ञान मतलब हमें प्रज्ञा देता है, विजडम देता है, हमें ना नॉट ओनली सूचनाएं दे रहा है, लेकिन उनको हम कैसे अपने जीवन में धारण करें और कैसे हम अपना जीवन जिए कि वो मेरा अनुभव बन जाए, और मेरे अनुभव मुझे ज्ञान देते हैं। तो गुरु हमें ज्ञान देता है, राइट? अब जब आजकल मैं बात करता हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने स्टूडेंट से, अपने सभी फ्रेंड से, स्कूल में या फिर पर्सनल लेवल पर, तो ये कहा जाता है कि 90% जो लोग हैं, जो कि आज दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, वो अपने आप में ज्ञानी नहीं है। और कहीं तक, किसी हद तक मैं उनकी बात से राजी भी हूँ कि 90% जो लोग हैं जो दूसरों को ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास सिर्फ सूचनाएं हैं। और प्रॉब्लम ये है कि जब कोई आदमी हमें कुछ बताता है, तो क्या वो सूचनाओं से बता रहा है, या वो अपनी प्रज्ञा से पैदा हुए ज्ञान से बता रहा है, ये किसी के लिए भी जानना बड़ा मुश्किल है। ये तो अनुभव से पता लगता है कि जो सूचनाएं मुझे सामने वाले ने दी, मैंने उनको अपने जीवन में जब धारण किया और आगे चलने का प्रयास किया, तो अगर मुझे अनुभव उस तरह के नहीं आते हैं, अगर मैं अपनी किसी मंजिल पर नहीं पहुंचता हूं, तभी मुझे पता लगता है कि जिसने मुझे बताया है वह सही गुरु नहीं है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज सब लोगों के सामने एक ये समस्या बन के खड़ी है कि हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में गुरु आए, लेकिन असली गुरु कौन है, कैसे पहचाने? अगर कोई असली गुरु हमारे
आसपास आ भी जाएंगे तो भी हमारे लिए पहचानना बड़ा मुश्किल होगा। और ये कहना कि आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना ज्ञान के दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, मैं कहता हूँ ऐसा हमेशा से रहा है। गुरु नानक देव जी ने भी एक जगह कहा है, वे कहते हैं अंधा अंधे ठेलिया दो कूप पड़न, अंधे अंधों का रास्ता दिखा रहे हैं और दोनों के दोनों जाके कुएं में गिर जाते हैं। अंधे का मतलब क्या है? जिसके पास सूचनाएं तो हैं लेकिन प्रज्ञा की आंख नहीं है, जिसके पास ज्ञान की आंख नहीं है। तो प्यारे मित्रों, मैं आपको दो बातें आपके सामने में रखना चाहता हूँ अपने कॉमन अनुभव से जो हम सब जानते हैं। पहला, मैं आपके सामने याद दिलाना चाहता हूँ भगवान गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध ने बहुत तपस्या की, बहुत से लोगों से मिले और जैसा उनको कहा गया उन्होंने वही किया। तो क्या गौतम बुद्ध को ज्ञान किसी भी गुरु से मिला? नहीं। जब वो थक गए, उन्होंने वो सब किया जैसा कि उनको बताया गया था, उन्होंने देखा उनका शरीर भी बहुत कमजोर हो गया है और जिस दिन उन्होंने ये ठान ली कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा, तब उनको ज्ञान मिला। राइट? यानी कुछ हमारे इतिहास में ऐसे महापुरुष भी हुए हैं जिनको बिना गुरु के ही ज्ञान मिला है। नंबर एक। नंबर दो, भगवान कृष्ण की मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने जीवन में शायद हार्डली कोई उनके जीवन में उनका कोई शिष्य रहा होगा, कोई एक दो चार हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम ही उनके जीवन में कोई शिष्य आया। लेकिन आज अगर हम देखें तो भगवान कृष्ण को कम से कम आधी पृथ्वी उनकी पूजा करती है और उनको अपना परमात्मा, उनका देवता, उनका आदर्श मानती है। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर गुरु अवेलेबल हैं समाज में और उनके आसपास भी अगर लोग आते हैं तो जरूरी नहीं है कि वे गुरु को पहचान पाए। नंबर एक। और गौतम बुद्ध के एग्जाम्पल से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा भी हुआ है कि बिना किसी गुरु के भी लोग संबुद्ध हुए हैं, लोग अपने ज्ञान को अनुभव, ज्ञान का अनुभव उनको हुआ है, उनको ज्ञान मिला है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या गुरु बहुत जरूरी है? बहुत से संतों ने, कबीर ने गुरु की महिमा का बखान किया है, गुरु नानक ने और गुरु नानक की परंपरा में सभी संतों ने गुरु की परंपरा को, गुरु की महत्वता को बहुत बखान किया है। सभी संतों ने, मोस्टली संतों ने गुरु की आवश्यकता को बताया है, लेकिन क्या कहा जाता है, क्या हम गुरु को खोज पाते हैं? नहीं। मैंने जो अपने गुरु से सीखा है, मेरे गुरु कहते हैं कि अगर तुम तैयार हो जाते हो तो गुरु तुम्हें अपने आप खींच लेता है। यानी हम कभी भी गुरु तक नहीं जा पाते, गुरु ही शिष्य को खींचता है। तो मैं अपने अनुभव से एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे आसपास अगर कोई अच्छा गुरु अवेलेबल भी है, उससे भी मेरा फायदा नहीं होगा। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनती है अपने आप को शिष्य बना देना, अपने शिष्यत्व के ऊपर काम करना। और शिष्यत्व का मतलब क्या है? क्या मैं सिर्फ सूचनाएं इकट्ठा करना चाह रहा हूँ या मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ अनुभव प्राप्त करूँ, कुछ प्रज्ञा प्राप्त करूँ, कुछ ज्ञान प्राप्त करूँ? हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ सूचनाएं ही चाहते हैं, इसलिए 90% गुरु या 90% लोग जो अपने आप को गुरु कहते हैं वे सूचनाएं ही देते हैं। गौतम बुद्ध के एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि जब मेरा शिष्यत्व गहरा जाएगा, अगर मेरे अंदर जिज्ञासा है, अगर मेरे अंदर सीखने की एक आग है, एक तपिश है मेरे अंदर, अगर मैं शिष्य बनता हूँ तो ये बात बिल्कुल सच है जो कि मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि हमें किसी भी गुरु को तलाशने की जरूरत नहीं है। ये परमात्मा, ये प्रकृति बहुत करुणावान है और सच्चा गुरु हमारे जीवन में आता ही आता है। उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई भी डिस्कस करने की संभावना ही पैदा नहीं होती है। तो प्यारे मित्रों, इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं सिर्फ यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर मैं शिष्यत्व से भर जाता हूँ, अगर मेरे अंदर अपनी जिज्ञासाएं पैदा होती हैं,
इस चीज की कि मैं कैसे ज्ञान को इकट्ठा करूं, मैं कैसे अपने अनुभव से उसको करूं जो मुझे गुरु कह रहा है, तो गुरु मेरे जीवन में अपने आप आना शुरू हो जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, आप लोगों में से जो भी मित्र अपने अंदर शिष्यत्व अगर पैदा करना चाहते हैं, कि अब सवाल ये आता है कि मैं शिष्य कैसे बनूं, तो आप में से जो भी मित्र शिष्य बनने के लिए तैयार हैं, तो वे मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं हम इसके ऊपर बहुत डिस्कस करेंगे, बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं, डिस्कशंस हैं, ट्रेनिंग्स हैं उसके लिए कि मैं शिष्य कैसे बनूं। और आप इस बात का गांठ बांध सकते हैं कि जिस दिन आप अच्छे शिष्य बन जाते हैं, गुरु आपके जीवन में अपने आप आ जाते हैं। इन्हीं के साथ मैं आप सभी मित्रों को एक बार गुरु पूर्णिमा की फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। Contact Dr. Pankaj Gupta for counseling, habit correction, trainings and past life regression requirements at 9953799435. We have special program for students, Turnkey to Success. Please enroll your children.